अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक कार और उसके अंदर सवार चार लोगों को पुलिस को पकड़वा दिया। दरअसल कार के शीशों पर बीजेपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लिखा हुआ था और साथ ही साथ युवा मोर्चा भी गाड़ी पर लिखा हुआ था। पकड़े गए युवकों ने पहले अपने आप को बीजेपी इलाहाबाद का बैकवर्ड का अध्यक्ष बताया। वहीं फिरोजाबाद बीजेपी के महानगर अध्यक्ष ने जब इलाहाबाद में बीजेपी पदाधिकारियों से बात की तब साफ हो गया कि पकड़े गए अभियुक्त संदिग्ध हैं। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों का दावा है कि पिछले 10 दिनों से यह गाड़ी लगातार देखी जा रही थी जिस पर संदेह था, इसलिए जब आज इस गाड़ी को देखा गया तो पुलिस कप्तान से बात कर कार को चालकों सहित थाना उत्तर लाया गया जहां अभी उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। फिरोजाबाद से हमारे विशेष संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। गाड़ी पकड़ी गई है, ये कहां से पकड़ी गई है जिसपे ये केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा लिखा हुआ है, कहाँ की गाड़ी है और ये किस तरह से पकड़ में आई है? ये गाड़ी कहाँ की ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिछले 8-10 दिन से कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये लगातार समाचार मिल रहा था कि एक गाड़ी महिंद्रा एक्सयूवी जिसका नंबर UP70EV00045 है, उस गाड़ी पर वाइट कलर की गाड़ी है, उस पर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और नीचे उसमें युवा मोर्चा, ये गाड़ी आगे पीछे दोनों तरफ सीढ़े शीशे पर ये नाम लिखा हुआ है। ये गाड़ी पिछले 8-10 दिन से शहर में कई जगह कई कार्यकर्ताओं ने इसको देखा। कल मेरे को सूचना मिली थी कि इस तरीके की गाड़ी शहर में घूम रही है, यानी अगर गाड़ी ऐसी कोई मिलती है तो तुरंत उसकी सूचना दें। आज मेरे युवा कार्यकर्ता ने इस गाड़ी को बम्बा रोड पर देखा और उसने 2.5-3 किलोमीटर तक इस गाड़ी का पीछा करके जब गाड़ी आकर कोटला चुंगी पर खड़ी हुई, फिर 10-5 मिनट वहाँ रुकने के बाद वहाँ से गाड़ी ने स्थान बदला, फिर DAV कॉलेज के आगे सामने खड़ाई होकर नीचे खड़ी हो गई। तत्काल पुलिस कप्तान को सूचना दी गई, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल उत्तर थाने के SHO महोदय के द्वारा गाड़ी को अपनी कस्टडी में लिया गया, पूछताछ के लिए लोगों को लाया गया। निश्चित रूप से हमारे सरकार के उप मुख्यमंत्री का इस तरीके से नाम लिखकर और प्राइवेट गाड़ी पर उपयोग करना वास्तव में चिंताजनक है, शोचनीय है, पुलिस इसकी जांच करे। जो भी बताया जा रहा कि गाड़ी जिस पे पकड़ी गई है, गाड़ी पे पकड़ा गया युवक, वो भी एक BJP कार्यकर्ता बता रहा है अपने आप को। वो उन्होंने अपने को पिछला मोर्चा का अनुसूचित मोर्चा का अपने को मंडल मंत्री बताया। मैंने वहाँ के महानगर जिलाध्यक्ष इलाहाबाद के से बात की है तो वो अवधेश गुप्ता वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो इनको नहीं जानते, जब इनसे बात कराई तो ये उनको नहीं जानते। सर गाड़ी में कितने लोग थे मौजूद? गाड़ी में ये 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक अभी बताएगा कि एक व्यक्ति गाड़ी से निकल गया है और उसको बुलाया जा रहा है। अब किस तरह की कार्रवाई आप लोगों के द्वारा? पुलिस जाँच करेगी, जो भी कार्रवाई होगी आगे देखते हैं क्या।